हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो जनाब, यहाँ पे था जी सुबह का टाइम और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो चले गए थे स्कूल, और उसके बाद ना मैं जो है ना रूम वगैरह अपना साफ़ किया, सारा घर साफ़ किया, और थोड़े से कपड़े जो है मैंने वॉश किए थे एक दिन पहले और वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा उनको जो है ना समेट लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ना 10-11 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है ना, क्योंकि खाना जल्दी बना लेती हूँ और जो बच्चों के ना जिन डेज़ में बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना होता है, ठीक है, तो यानी मेरा होता है कि बच्चों के स्कूल आने से, घर आने से पहले पहले हर चीज़ जो है ना वो रेडी हो। तो मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और मौसम जो है वो भी बहुत ही अच्छा था। आज इतनी बारिश हुई ना माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा मौसम था। और मैंने जो है ना चिकन पड़ा हुआ था, और मैंने चिकन के अंदर ही ना कचनार डाल ली थी, ठीक है, और इस तरह से जो है ना मैंने सारा स्पाइसेस वगैरह डाल के चिकन को फ्राई कर लिया, प्याज में टमाटर वगैरह डाल के, अदरक लहसुन डाल के, और मैंने इस तरह से ना चिकन जो है उसको पकने के लिए रख दिया, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो चूँकि कचनार नहीं खाते, यहाँ पे ना जब मैंने गोश्त की भुनाई कर ली ना चिकन की, तो मैंने ना बच्चों के लिए निकाल दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने ना कचनार डाल दी, ठीक है। ये फ्रीज़ की हुई कचनार थी, मैंने डाली थी ये जब कचनार का मौसम था ना, तो मैंने थोड़ी सी जो है ना फ्रीज़र में रख ली थी। मैंने कहा जब मेरा दिल चाहेगा ना दोबारा से बना के तो ना मैं खा लूँगी, ठीक है। सो अब ना मौसम काफ़ी अच्छा था, तो आज मेरा बड़ा दिल चाहे ना एकदम से, तो हालांकि इसका मौसम नहीं है इतना, और मैंने फिर भी जो है ना इसको बना लिया। और इस तरह से जो है ना मैंने जब कचनार डाली, उसके बाद मैंने इसके अंदर दही जो है वो डाल दी, और इसको मैंने पकने के लिए दम पे थोड़ी देर रख दिया, ठीक है। और इस तरह से जो है कचनार मेरी रेडी हो गई थी, बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खा रहे थे खाना, और चिकन खा रहे थे मसाला, और मैंने जो है कचनार जो है वो खाई, ठीक है। और यहाँ पे ना आज क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मीठी टिक्कियाँ बनाओ, सो यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ मैंने बना ली थी। दूध मैंने डाल दिया था इसके अंदर 1 कप, ठीक है, और मैदा मैंने ले लिया था इसके अंदर 2 कप, ठीक है, और साथ मैंने आधा कप जो है इसके अंदर ये मैं सूजी डाल दूंगी, और यहाँ पे ये 1/4 कप जो है ना इसके अंदर मैं डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है ना पिसा हुआ खोपरा वो डाल दूंगी, ठीक है, और ये डाल के, और इसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो भी मैंने 1/4 कप डालना है, ठीक है, और ये डाल के ना मैं इसको ना अच्छी तरह से गूंद लूँगी, ठीक है। आप इसके अंदर खुशबू के लिए इलायची और सौंफ भी डाल सकते हो, ठीक है, मैंने सिर्फ सौंफ डाली थी क्योंकि उससे ना बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है, ठीक है, जब वो मुँह में आती है ना, तो इस तरह से जो है ना इसको मैं गूंद लूँगी, ठीक है। और दूध का मैंने पूरा इसमें 1 कप डाला था, ठीक है, और इस तरह से जो है ना इसको मैं गूंद के, और इस तरह से इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी, ठीक है। और कोई भी आपके पास कटर हो, ये मेरे पास जो बच्चों के स्कूल की बॉटल का कैप होता है ना उसके साथ मैंने गोल वाली काट ली थी, और बाकी मेरे पास ये कटर थे हार्ट शेप का और फ्लावर शेप का, तो इसकी हेल्प से जो है ना मैंने इस तरह से जो मीठी टिक्कियों की टिक्कियाँ हैं ना इनकी मैंने ना कटिंग कर ली, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्राई हो गई, और फ्राई होने के बाद जो है ना मैंने इनको इसको ना आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है, और हल्की आंच पे करना है। हल्की आंच पे मतलब नॉर्मल मीडियम आंच होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, उससे यह है कि ये फिर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ना ज़्यादा ज़रा ना कच्ची कच्ची से टेस्ट आएगा, ठीक है, कच्चापन का। और नॉर्मल आंच पे आप करेंगे ना तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बिस्किट की तरह ये बनेंगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना सारी टिक्कियों को मैं फ्राई कर लूँगी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा घरों में ये बनती है, ख़ास तौर पे जब कुंडे वगैरह होते हैं ना, तो तब ये वाली जो मीठी टिक्कियाँ ना ये अक्सर बल्कि बहुत ज़्यादा घरों में जो है ना वो बनाई जाती हैं, तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर जो है ना मैं इनको बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं इसको एक उसके अंदर कंटेनर में या जार में जो एयर टाइट बॉक्स है ना उसके अंदर मैं ढक देती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से ये दिख रही थी, और मैं इसको गर्म गर्म खा रही थी, बड़ा मज़े की लग रही थी। और जब ये ठंडी हो गई ना, तो इस तरह से मैं इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, ठीक है, तो फिर वो जो है ना इजीली जो है ना स्टोर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने साथ थोड़े से बैंगन के सब
चलो अब आपको पढ़ेगी, ठीक है। तो बस जनाब, यहाँ पे आपने देखा हुरैन और दुआ जो है वो नात पढ़ रही थी माशाल्लाह से, और माइक लेके आए थे ये लोग नया, और उसमें जो है ना नाते पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद शाम में जो है ना रात में हम लोग डिनर के लिए चले गए थे बाहर, क्योंकि मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब बारिश जो है वो रुकी तो हम लोग बाहर चले गए और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।